हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो स्वीट रेसिपी है, नारियल ड्राई फ्रूट पेड़े, जिसकी रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। हमें इसमें ज़्यादा गैस की ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी ही क्विकली बन के रेडी हो जाएगी। ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करके इसका थोड़ा सा दरदरा पाउडर सा पीस लेंगे, थोड़ा सा क्रश टाइप में होना चाहिए, पूरा दरदरा नहीं होना चाहिए। अभी हमने नारियल का बुरादा लिया है, डेजर्ट कोकोनट, इसको हम 2 कटोरी ले लेंगे। और आपको फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, बट उसको कुक करना पड़ता है, इसलिए हम इसे घिसा हुआ नारियल लेंगे। और 2 कटोरी जितना हमने सूखा नारियल लिया है अपना नारियल पाउडर, उतना ही हम उसमें सूखा दूध पाउडर लेंगे। और आपको 1 कटोरी के चम्मच बूरा ले लेना है, जैसी पिसी हुई चीनी होती है ना वो ले लेना है। और थोड़ा सा पिंच ऑफ इलायची पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से डो की फॉर्म में तैयार कर लेंगे, आटे की फॉर्म में इसको बना लेंगे। इसको गूंदना है आपको, धीरे धीरे ही दूध इसमें ऐड करना है, ताकि ये जो हमारा नारियल का मिक्सचर है वो ज़्यादा रनी ना हो, हमारे पेड़े आराम से बन जाएं। तो आपको उतना ही दूध ऐड करना है इसमें धीरे धीरे। दूध आपका गर्म किया हुआ ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले लीजिए। अभी हमने ड्राई फ्रूट जो भून के रखे थे उसको ले लेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा पिस्ता ऐड कर देंगे, ये थोड़ा सा हमारा जो कोकोनट का अपना डोर रखा था ना वो ले लिया है। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे ना थोड़ा सा डेकोरेट जब हम करते हैं मिठाई को, तो उससे बहुत अच्छा फिलिंग बन के तैयार होगी और बहुत सुंदर सा कलर बन के आएगा। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर लिए हैं, जो नारियल का थोड़ा सा डो बनाया था वो भी मिक्स कर लिया। इसके छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे और इसके पेड़े से बना के रख लेंगे हम। आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेना है, आप शेप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। मैंने इसमें राउंड शेप रखी है, आप चाहे इसे लंबी शेप में रख सकते हैं, स्क्वायर शेप में रख सकते हैं, बर्फी की शेप में रख सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रेडी कर ली है। अब जो हमने नारियल का डो बना के रखा था वो ले लेंगे, उसकी भी हम छोटी छोटी बॉल्स लेंगे। अब उसमें ये जो फिलिंग बना के रखी है ना हमने, इसको फ्लैट करते जाएंगे और फिलिंग इसमें भर लेंगे। पहले ये सारी बॉल्स बना के आप रेडी कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा ना, फिर एक एक करके फिलिंग्स भर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने सारी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं और अब हम इसे अपने हाथों की सहायता से फ्लैट कर लेंगे। जितनी भी हमने नॉर्मल जो वाइट वाली बॉल्स बनाई थी उसको हाथों में थोड़ा सा घी या ऑयल वगैरह लगा लें, थोड़ा सा फ्लैट करते हुए हम इसमें फिलिंग अपनी डाल देंगे, है ना। और इसमें आपको ना बेलना है ना ज़्यादा कुक करना है चीज़ों को, बहुत इजीली बन के तैयार हो जाएगी रेसिपी, बहुत इजी और क्विक बन के रेडी होगी और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है, एकदम क्विक रेसिपी है। आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए दिवाली पे, आप कभी भी इसे बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारी बॉल्स हम बना के रेडी कर लेंगे, हमारी जो मिठाई बन के तैयार होने वाली है थोड़ी ही देर में आप इसे देख सकेंगे कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा आया है, तो आप देख लीजिए कैसे डेकोरेट करना है। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग, शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये मैंने सारी ही जो हमारी पेड़े बना के सारे रेडी कर लिए हैं, इसको प्लेट में ले लेंगे। जब हमारी सिल्वर एक वर्क आता है ना, सिल्वर वर्क, गोल्डन वर्क, आप पे हो तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, अब मैंने इसे ऐसे सिल्वर वर्क से इसको कवर कर दिया है और ऐसे निकाल दिया। ये अब ज़्यादा बेटर तरीके से कवर अप हुआ है ना, इसको बीच में से कट कर लेंगे हम। एक एक पीस आप कट करते जाए, अब देख रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही है, इसकी अच्छी सी फिलिंग सी बन के रेडी हो गई है, है ना, जो इसमें काफ़ी अच्छा कलर दे रही है। सारे ही पेड़े को हम ऐसे शेप में कट कर लेंगे, आप चाहें गोल भी रख सकते हैं और इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर लें। थोड़ा सा गुलाब की पेटल्स लगा लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह से कोट कर लें इसको, थोड़ा सा कवर कर लें इसको अपने अकॉर्डिंग। आप ड्राई फ्रूट, पिस्ता वगैरह, कलर वगैरह कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है टोटली। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्वीट रेसिपी बन के रेडी है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।